हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है और मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब की रहने वाली हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब की एक विश होती है कि हमारे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आएँ, स्पेशली हमारी बोर्ड्स की क्लासेस में, दैट इज़ 10th एंड प्लस टू में, ताकि उसके बाद हम अच्छे मार्क्स लेके अच्छे कॉलेजेस और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके हमारी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन दोस्तों, वो अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए ना जाने हमें कितने कितने घंटे स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, और कई बार इतने घंटे स्टडीज़ करने के बाद हमारी कंसंट्रेशन टूटने लगती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान द्वारा दी गई एक ऐसी टिप शेयर करने जा रही हूँ जिसके साथ आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन को मेनटेन करके रख सकते हैं। पढ़ने से पहले आप सिर्फ 5 मिनट मेथड ऑफ मेडिटेशन कीजिए। गुरु मंत्र का जाप, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन सिर्फ 5 मिनट, और फिर पानी पी के थोड़ा सा घूमे और बैठ जाएं पढ़ने के लिए। अब जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप लिख के पढ़ें या फिर पढ़ते समय एक फार्मूला है आपका या कोई क्वेश्चन है आपका और उसका आंसर है, क्वेश्चन लिख लो, आंसर लिख लो, और फिर अपनी आंखों को पूरा फोकस करो उन पे, आंखें बंद कर लो, दिमाग में सोचो कि वो आपके आगे एक इमेज बनती है या नहीं, नहीं तो फिर खोलो, फिर उसको देखो, पूरा फोकस करो, फिर आंखें बंद करो, इमेज आई, नहीं फिर खोलो, तो तीसरी बार आंखें बंद करते ही वो इमेज आपके सामने आ जाएगी। उस इमेज को देखो और माइंड में फिट कर लो। यकीन मानो, लिखना और ऐसे इमेज अंदर फिट करने से आपकी याददाश्त बहुत बढ़िया हो जाएगी, वो सवाल, वो क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएगा विद आंसर, विद उत्तर, यानी प्रश्न उत्तर इकट्ठे फिट हो गए। और जब भी कभी वो प्रश्न आएगा तो आपकी मेमोरी में से माइंड आपको निकाल के दे देगा। तो दोस्तों, वो टिप ये है कि जब भी आप स्टडी करने बैठते हैं, स्टडी करने से पहले आपको 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आपको मेडिटेशन करनी है, और 5 मिनट मेडिटेशन करने के बाद आपको थोड़ा सा पानी पी के 1 मिनट के लिए चहलकदमी करनी है, और उसके बाद आपको पढ़ने बैठ जाना है, और उसके बाद आपको जब पढ़ाई करनी है तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कर पाएंगे। और कोशिश करें कि आप जो भी पढ़े उसको इमेजेस बना के पढ़े, बिकॉज एक बार जब इमेजेस फिट हो जाती हैं हमारी मेमोरी में तो उसे हम कभी भी नहीं भूलते। और उसके बाद जब 2-3 घंटे बाद अगर आपको लगे कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन फिर से टूट रही है तो आपको यही सेम चीज दोबारा करनी है, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन, फिर पानी पी के चहलकदमी करके आपको फिर से पढ़ने बैठ जाना है। और दोस्तों, मैंने उनकी यह टिप फॉलो करके रियली अचीव सक्सेस की है। दोस्तों, मुझे ऐसा था कि मेरे प्लस टू में सिर्फ 80 या मैक्सिमम 85% तक ही मार्क्स आ पाएंगे, लेकिन दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मेरे 93.8% मार्क्स आए, और वो सिर्फ इस टिप को फॉलो करने के।